और राइट वेलकम टू चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ KTM की एडवेंचर मोटरसाइकिल, जो कि है KTM एडवेंचर 250। तो साइज़ कंपैरिजन के लिए देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेरे राइट में खड़ी है एडवेंचर 250 और लेफ्ट में खड़ी है KTM एडवेंचर 390। और साइज़ और डायमेंशंस में दोनों बाइक बिल्कुल ही सेम है, डिफरेंस बस इसी बात का है कि एडवेंचर 390 में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलती है और 250 में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हैलोजन लाइट लगी हुई है विद LED DRLs, जो कि सेम ओल्ड ड्यूक 250 जैसे लगती है। और यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इस बाइक में आपको नकल गार्ड्स भी स्टैंडर्ड फिटिंग देखने को मिलता है। ये रहे KTM के नकल गार्ड्स और ये है रियर व्यू मिरर, जो कि बहुत शार्प और स्लीक लगता है। सामने से रियर व्यू मिरर कुछ ऐसे लगता है। और वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको 21 इंच का टायर देखने को मिलता है और 320 mm डिस्क ब्रेक विद ABS। और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको अपडेटेड WP एपेक्स सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि सेम टू सेम 390 जैसा है। और यह है KTM का 250cc इंजन, जो कि सेम ड्यूक 250 इंजन से लिया गया है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आपको छोटा सा चेंजेबल ब्रेक देखने को मिलता है, तो अगर आप कभी इसको तोड़ दो तो रिप्लेस इजीली कर सकते हो। और ये रहा ऑफ रोडिंग फुटपैक। और साइड प्रोफाइल से बाइक कुछ ऐसे लगती है, यह है 250 की ब्रांडिंग। और यहाँ पे जो आप क्रैश गार्ड देखते हो, ये एक्चुअली आफ्टर फिटिंग है, जो बाइक में स्टैंडर्ड फिटमेंट के साथ नहीं आता है। और टेल लैम्प कुछ ऐसे देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही मॉडर्न और फैंसी लुकिंग है। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, जिसे आप चार्जिंग के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे है GPS माउंट। तो चलिए मैं आपको अभी इंस्ट्रूमेंट कंसोल स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कैसे लगता है। तो ये रहा इसका नेगेटिव TFT डिस्प्ले, जो कि 390 एडवेंचर के कलर TFT डिस्प्ले से बिल्कुल ही मेल खाता है। और बाइक के एग्जॉस्ट की बात करें तो ये कुछ ऐसे साउंड करती है। और वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको हैंडल बार स्विचेस कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, जो कि 390 एडवेंचर से बहुत ही अलग है। यहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट कंसोल का नेविगेशन बटन देखने को नहीं मिलता है। और यह है पास स्विच, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न का बटन। और राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और इग्निशन ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। और हॉर्न कुछ ऐसे साउंड करता है। तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या फिर मेरे चैनल के लिए कोई सजेशंस है तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।